हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम मनिंदर ढुल। आज हम आपको सोल्व करना सिखाएंगे कि दो फ्रैक्शंस का एडिशन किस प्रकार से किया जाता है, दो फ्रैक्शंस को किस प्रकार से जोड़ते हैं। एक पुराना मेथड है एलसीएम वाला, जो कि बच्चे जिससे बोर हो जाते हैं और पूरी तरीके से उसको कर नहीं पाते हैं। कई बच्चों को, जो कमजोर बच्चे होते हैं, उनको वो समझ में नहीं आता है। लेकिन आज आप हमारी वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा कि जिसको आज के बाद फ्रैक्शंस को जोड़ने में कोई भी दिक्कत आएगी। एक ही तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका, एक बार देखिए उसके बाद आगे बातें करते हैं। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 और हमारे पास है 4/5। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है, इसको ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15 और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 2 की 5 के साथ 10 प्लस 3 की 4 के साथ 12, तो क्या आ गया 22/15। इतने आसानी से आपका ये आंसर आ गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैथमेटिक्स की कंप्लीट जानकारी नहीं होती और वो रटे रटा एलसीएम मेथड को ही रेफर करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि एलसीएम मेथड गलत है, एलसीएम मेथड भी ठीक है और बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये मेथड भी बेस्ट है और ये 100% ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, यदि किसी को डाउट है तो वो एक मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दे दे कि जिससे ये मेथड गलत होता हो, ठीक है। और वैसे ही मैथमेटिक्स के बारे में अपने आप को महान बताने वाले लोग यदि इस प्रकार के छोटे से मेथड को नहीं समझ पाते तो मेरे को हंसी आती है। और अगले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, 3/5 प्लस में 4/5। आप इसमें बड़ा वो करते हैं कि देखिए इनका एलसीएम 5 आएगा तो ऊपर वालों को जोड़ दो, लेकिन क्या ये सम इस मेथड से नहीं होगा, देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 और 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20, दोनों को ऐड करते हैं तो 35/25। अब बच्चे एक चीज और सीख पाएंगे इसमें कि अपनी जो टर्म्स हैं उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो फिर वो भी सीख पाते हैं बच्चे। 5 से भाग कर दो, 5 7 जा, और 5 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा, तो 7/5 ही आपका फ्रैक्शन रूप में आंसर आ गया। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो इस मेथड को गलत साबित कर दे। करना क्या है, दोबारा फिर ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे लिख दीजिए और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आपका आंसर आएगा, एक भी ऐसा सम नहीं होगा कि जो आपका इस मेथड से गलत हो जाए। तो ये आसान सी ट्रिक आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।